हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिता कलेक्शन द फैशन सीरीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फेस्टिव लुक्स लेके आई हूँ जो है इंडो वेस्टर्न इंस्पायर्ड लुक। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है फर्स्ट लुक जिसमें मैंने एक चिकनकारी कॉटन का एम्ब्रॉयडर्ड प्लाजो पहना है जो एक चौड़े वाला प्लाजो है। और इसके साथ मैंने वेयर की है सैटिन की ब्लैक कलर की शर्ट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और मैंने इसके साथ वेयर किया है ये नेकलेस जो कि है जर्मन सिल्वर का। और ये लुक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और हाथ में मैंने मिरर का ब्रेसलेट पहना हुआ है जिसमें घुंघरू घुंघरू ऐसे लगे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैंने इस लुक में एक ट्विस्ट ऐड किया है। मैंने जो स्लीपर्स कैरी किए हैं वो गोल्डन कलर के हैं, लाइट गोल्डन कलर के, तो थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए स्टाइल में। तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो लड़कियां थोड़ी स्टाइलिश फेस्टिव लुक्स चाहती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूट करता है ये लुक। फ्रेंड, ये जो लुक है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। इस लुक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हैवी या लाइट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी लाइट लुक चाहिए अपनी, तो आप इस हैवी जर्मन स्टेटमेंट नेकलेस की जगह कोई छोटा पेंडेंट पहन सकते हैं। और हाथ में भी आप ब्रेसलेट की जगह वॉच ऐड कर दीजिए। लेकिन फेस्टिवल में फ्रेंड्स इतना तो बनता है। अगर आपके ऑफिस में दिवाली पार्टी है या और कोई छोटी मोटी पार्टीज हैं तो आप उसमें भी इस जो लुक को वेयर कर सकते हैं। ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, एकदम कंफर्टेबल है और आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड, अब ये थर्ड लुक है जिसमें मैंने सैटिन की ब्लैक शर्ट के साथ सैटिन की प्रिंटेड साड़ी एज ए लहंगा स्कर्ट पहनी है। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लुक है। प्लस आपके पास जो साड़ी है उस वो आपके पास अवेलेबल है, उसी से आप ये अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल लुक है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा और ट्रेंड में है। और फ्रेंड, आप इस सैटिन की शर्ट के साथ अपनी कोई सिल्क की साड़ी भी पहन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। वो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसकी प्लेट्स बिल्कुल बैठ के आती हैं। तो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिए इस फेस्टिव सीजन में। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट लुक है वो है मैंने उसी सैटन जो साड़ी को जो मैंने एज ए लहंगा पहना था तो उसे मैंने साड़ी की तरह वेयर किया है। बट ट्विस्ट ये है कि मैंने उसे शर्ट के साथ ही वेयर किया है। मैंने एज ए ब्लाउज की जगह शर्ट पहनी है और जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल लग रहा है। मैंने जर्मन सिल्वर का वही स्टेटमेंट नेकलेस पहना है और हाथ में वॉच है, ब्रेसलेट है। तो कानों में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि ये स्टेटमेंट नेकलेस ही बहुत है थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। और ये लुक बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपनी किसी भी साड़ी को ऐसे साटन शर्ट के साथ वेयर करके अपनी डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस फेस्टिव सीजन में ऐसी कोई लुक। फ्रेंड्स, आप प्रिंटेड सैटिन की शर्ट के साथ प्लेन साड़ी भी वेयर कर सकते हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और सैटिन की साड़ियाँ बहुत टाइम से चल रही हैं फैशन में, अभी भी ये ट्रेंड में है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसा कोई लुक, या तो प्रिंटेड साड़ी प्लेन शर्ट या फिर प्रिंटेड शर्ट और प्लेन साड़ी। फ्रेंड, तो नेक्स्ट लुक में मैंने चौड़ा चिकनकारी कॉटन का अपना प्लाजो पहना है, साथ में मैंने न्यूड कलर की स्पैगी टॉप पहनी है, हाथ में ब्रेसलेट पहना है ऑक्सीडाइज्ड और एक हाथ में वॉच पहनी है। और कानों में मैंने हुप इयररिंग पहने हैं गोल्डन शेड के और गोल्डन ही मैंने स्लीपर्स पहने हैं और गोल्डन चोकर पहना है मैंने। और ये हुप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस लुक के साथ, ये से बिल्कुल ही इंडो वेस्टर्न फ्यूजन लुक देते हैं। और साथ में मैंने कॉटन की अपनी श्रग पहनी है, श्रग कम कुर्ती है ये, और इसे आप पूरे बटन बंद करके एज ए कुर्ती भी वेयर कर सकते हैं, बट मैंने एज ए श्रग इसे पहना है। और इसकी जो स्लीव्स पे डिज़ाइन है वो है कोल्ड स्लीव का डिज़ाइन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सालों से ट्रेंड में है। और इसके साथ बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। ये भी आप अपने ऑफिस में अगर कोई दिवाली पार्टी है उसमें तो आप इजीली वेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी
ज्वेलरी ऐड करके आप इस अपनी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं एज ए योर टेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐसा। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कंफर्टेबल है, जैसे मर्जी आप पहन सकते हैं। अगर आप ऐसे ओपन करके कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने जो है बटन को, आधे बटनों को बंद कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी कंफर्टेबल लुक आता है, सोबर लुक आता है। तो ये लुक भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस सीजन में। फ्रेंड अब इसी लुक पे मैंने न्यूड स्पेगडी टॉप की जगह ब्लैक स्पेगडी टॉप पहना है और मैंने इसके साथ एक पेंडेंट भी ऐड किया है जो थोड़ा सा लंबा है, स्टेटमेंट पेंडेंट है ये, और ये भी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इससे। मैंने ज्वेलरी, स्लीपर सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ टॉप को चेंज किया है जिससे बिल्कुल ही इसका लुक बिल्कुल ही चेंज आया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बल्कि ये ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, न्यू टॉप की जगह ब्लैक टॉप मुझे ज्यादा पसंद आया है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी लुक अच्छी लगी, कौन सी लुक अच्छी नहीं लगी, और अपनी पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे जरूर दें। जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आप कुछ और अगर कुछ देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। फ्रेंड ये लुक भी बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। अगर आप और ज्यादा हैवी लुक चाहते हैं तो आप बड़ा सा कोई जर्मन सिल्वर का या ऑक्सीडाइज नेकलेस पहन सकते हैं जिससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की इंडो वेस्टर्न फेस्टिव स्पेशल लुक। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपकी चैनल सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।